नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, जिनको कैंसर था, और कैसे इनका कैंसर ठीक हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या इन्होंने मेडिसिन ली, कहां पर इन्होंने चेकअप करवाया, क्या क्या हुआ इनके साथ, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार राकेश जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। राकेश जी, कब पता चला था आपको क्या बीमारी है? मैंने जी 6 साल हो गए ना, तो जो मैं नामदान लिया पहला, मैं बहुत ही ज़्यादा फार्मेसी वाले पास लिया थी, जब डॉक्टर ने जवाब देता थी, तो उस बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं धीरे धीरे आता गया, तो दवाई मेरी बिल्कुल बंद हो गई। हूँ मैं ये साल 7 साल हो गया, मैं तो सेवा से बिहार में नहीं आना, तो हूँ मैंने किसी गल कोई भी किसी तरह कैंसर था आपको? कैंसर था। आपके पास रिपोर्टें हैं? हाँ। कहाँ पर था आपके कैंसर? गले में कैंसर था। तो क्या कहाँ पर दिखाया था आपने? फरीदकोट में। अच्छा, तो फिर क्या कहते डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर ने जो चेक किया था, उन्होंने भी एक जवाब देता है डॉक्टर ने, मेरी बेटियाँ हैं जी 4, थे 2 दिन मैं, और कभी भी जल्दी मैरिज कर दे भी, जवाब देता है डॉक्टर ने। मैं 2 बेटियाँ मैरिज करती हूँ, उसके बाद डेरा आना शुरू होया, बिल्कुल सही है, किसी गल की कोई। फिर आप डेरा सच्चा सौदा में आने लगे। अब आप 6 साल पहली बात है, अब बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल। इसके बाद आप डॉक्टरों से मिले? हाँ, मैं मिलने चेक करने जाना। अच्छा, क्या कहते हैं फिर डॉक्टर? कुछ नहीं, विकास होगा, नॉर्मल कैंसर, वो कैप्सूल दे दें। इसके बाद किसकी वजह से आपकी मतलब ये बीमारी कटी, किसको धन्यवाद किसको कहना चाहोगे? उन्होंने काम की किते है समाज दे ली, कुछ होर लोकां दे ली? आपने देखा होगा डेरा सच्चा सौदा में क्या किया जाता है। डेरा सौदे जो बंदा जो भी अपनी मर्जी नाल नियत करके आ जावे, ओ तो मिलदा ही मिलदा। लेकिन संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा दी गल कीती जावे तो उन्होंने दूसरी तरफ काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप लगानी जी एवं हुण दुनिया एक मुंह नाल साथ साथ गल्लां ने, ते कोई हमदे से कोई महसूस नहीं हुंदा इहो जिहा कोई गल, बाकी जिहड़े नहीं मानदे जिहड़े इस गल नूं वो बद तो बद हवा उड़ा रहे हैं। बाकी असं इतने आए हैं 7-8 साल हो गए हैं, हूँ तो 1.5 साल हो गया, हर महीने 2 दिन ला के जाइए, असं जब कोई भी इतने आ गए कोई टेंशन नहीं, ना कोई यहोजे सोच है कि अज संत जी की समाज में जरूरत है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा। हर प्रेमी हर यो चाहता कि पिता जी आओ, हमने ही आ जाओ, हमने आ जाओ, हर सेवा सिमरन साढ़े फिरोजपुर ब्लाक घर घर चल रहा है पूरे दिन का, तो हर कोई यो चाहता है सिमरन इस चल रहा है, पिता जी आओ, तो बच्चों सिर से हाथ रखो, तो आशीर्वाद की जरूरत है। बाकी उन्होंने की अपील करोगे तुम सरकार तो? सरकार तो अपील देखो भी हाथ जोड़ के बेनती करा भी बेसूर है, तो इमें नजायज़ लोगों ने हवा उड़ा बुला के नजायज जो काम किए हुए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इनका कहना है कि कैंसर की जो बीमारी है, इनकी जो ठीक हुई है, वो संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इंसा की वजह से, इनकी आस्था विश्वास आज भी बरकरार है। इनका ये मानना है कि झूठे आरोपों में संत जी को समाज से दूर किया गया। ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि संत जी को समाज में जल्द से जल्द वापस लाना चाहिए। आपकी क्या राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बदल